विदेश घूमने की चाहत भला किसे नहीं होती है, लेकिन विदेश घूमने का अरमान उस वक्त तक पूरा नहीं हो सकता जब तक कि आपके पास वीजा ना हो। हालांकि कुछ देश बिना वीजा के भी आपका स्वागत करने को तैयार हैं। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने हाल ही में ऐसे देशों की सूची जारी की थी जहां आप बिना वीजा फॉरेन ट्रिप का लुत्फ उठा सकते हैं। आप चाहें तो पार्टनर के साथ भी बिना वीजा के हनीमून सेलिब्रेट करने यहां जा सकते हैं। भूटान। भूटान को दुनिया का सबसे खुशहाल देश माना जाता है। इस देश में ऐसी कई शानदार हॉलीडे डेस्टिनेशन हैं जहां जाने के लिए आपको वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। भूटान घूमने का सबसे सही समय मार्च और अप्रैल है। इस दौरान यहां लगभग सभी एडवेंचर्स डेस्टिनेशन ओपन रहती हैं। फिजी। ऑस्ट्रेलिया के नज़दीक एक खूबसूरत द्वीप पर बसा फिजी घूमने के लिए भी वीजा दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह देश समुद्री बीच, चट्टानी इलाकों और खूबसूरत झीलों के लिए पर्यटकों के बीच फेमस है। अप्रैल से मई और दिसंबर से जनवरी तक यहां कभी भी घूमने जा सकते हैं। नेपाल। नेपाल को अपने धार्मिक स्थलों और हिमालय की चोटियों की वजह से खास पहचान मिली है। भारत से नेपाल के अच्छे संबंध होने की वजह से आपको यह देश घूमने के लिए वीजा नहीं दिखाना होगा। नेपाल घूमने का सबसे अच्छा समय सितंबर से नवंबर तक माना जाता है। जमैका। कैरेबियन देश जमैका की खूबसूरती उसके समुद्री किनारों, घने जंगलों और पहाड़ों में छिपी है। पानी की बौछारों के बीच कुछ यादगार पल बिताने के लिए जमैका एक अच्छा ऑप्शन है। यहां आप मिड दिसंबर से अप्रैल के बीच घूमने जा सकते हैं। मॉरिशस। हिंद महासागर में स्थित बहुसांस्कृतिक देश मॉरिशस अपने समुद्री तटों और चट्टानी इलाकों के लिए फेमस है। दिसंबर से फरवरी के बीच आप यहां घूमने जा सकते हैं। श्रीलंका। रेतीले मैदान, पर्वतीय क्षेत्र और समुद्री बीच श्रीलंका को एक आदर्श टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाते हैं। अब तो श्रीलंकाई सरकार ने टूरिस्ट को रिझाने के लिए यहां के डेस्टिनेशन स्पॉट और रेस्टोरेंट बार को भी कीमतें कम करने का आदेश दे दिया है। श्रीलंका घूमने का सबसे सही समय दिसंबर से अप्रैल के बीच माना जाता है। थाईलैंड। थाईलैंड अपने धार्मिक स्थलों, शाही टूरिस्ट प्लेस और समुद्री किनारों के लिए पर्यटकों के बीच बड़ा फेमस है। यहाँ मौजूद वाट अरुण, वाट फो, महात्मा बुद्ध का मंदिर साउथ ईस्ट एशिया की सबसे प्रसिद्ध जगहों में से एक है। मालदीव। मालदीव जैसे बॉर्डर वाला अब भारत में भी खोलने की योजना बनाई जा रही है। मालदीव में घूमने के लिए 3000 से भी ज़्यादा आइलैंड हैं। दिसंबर से अप्रैल यहाँ घूमने के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। इंडोनेशिया। इंडोनेशिया अपने ज्वालामुखी द्वीपों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। इंडोनेशिया के जंगल कोमोडो ड्रैगन, हाथी, शेर और लंगूर जैसे जानवरों से भरे पड़े हैं। यहाँ घूमने का सबसे सही वक्त जून जुलाई है। इस दौरान आप यहाँ बाली आर्ट फेस्टिवल का भी आनंद उठा सकते हैं। मेडागास्कर। मेडागास्कर अपने बरसाती जंगलों, समुद्री बीचों और चट्टानी इलाकों की वजह से पर्यटकों के बीच काफ़ी फेमस है। यहाँ आपको जानवरों की कई खास प्रजातियाँ देखने को मिल सकती हैं। एंटासेवे मंटाडिया नेशनल पार्क यहाँ का सबसे लोकप्रिय पर्यटक स्थल है। यहाँ आप जुलाई से अगस्त के बीच घूमने जा सकते हैं।